لا اله الا الله अर्थात अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है यह अस्तित्व के आधार पर सबसे महान कलिमा अर्थात वाक्य है क्योंकि इसी के सत्यापन के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह ने सृष्टि का निर्माण किया तथा उसने रसूल अर्थात दूत भेजे और पुस्तकें उतारी यह तकवा का कलिमा है धर्म की नींव है और ईमान का स्तंभ है तथा यह ऐसा मज़बूत कड़ा है कि जो कोई भी इसे थाम लेगा वो बच जाएगा और जो कोई भी इस पर मरेगा वह सदा सौभाग्यशाली रहेगा इस कलिमा के गुण एवं धर्म में इसकी स्थिति उन बातों से ऊपर है जो वर्णन करता वर्णन करते हैं और ज्ञानी जानते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लामा से वर्णित है वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है सर्वोत्तम जिक्र अर्थात स्मरण ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है संसार वासियों में विजेता वो है जो प्रत्येक समय एवं स्थान में इस कलिमा का अधिकाधिक स्मरण करते हैं उसकी जीभ इससे थकती नहीं है उसका हृदय इसमें लिप्त रहने से उकताता नहीं है तथा वो इसके अर्थों को याद रखता है एवं इसके उद्देश्यों को सा नहीं रखता है यह उन अजकार में से है जो व्यापक एवं सीमित दोनों रूप से वर्णित है ताकि मुसलमान अपने खाली समय अपने काम और अपने जागने एवं सोने के समय अपनी यात्रा निवास के समय बैठते उठते नमाज रोज़ा हज एवं उमरा के समय दिन के आरंभ में प्रातःकाल इसी प्रकार से साँझ के समय नमाज से सलाम फेरने के बाद परेशानी एवं संकट के समय अर्थात हर स्थिति में इसका स्मरण करता रहे अरफा के दिन नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे उत्तम दुआ अरफा के दिन की दुआ है तथा सर्वोत्तम दुआ जो मैंने एवं मुझसे पूर्व के नबियों ने की है वो यह कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर